अब कोई फायदा नहीं। लगते नहीं कि हमारा घर है। धनिए का पेस्ट बनाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब गुड हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, हमने पुराना सोफ़ा निकाल दिया, जो जो पुराना सामान फेंकने वाला था ना वो मैंने सब यहाँ पर रख दिया, और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ पे रख देंगे ना स्ट्रीट के पास, वो लोग लेने आएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और देखिए ढेर सारा सामान हो गया है ना, कुछ अरमान अली जावलिन के खिलौने मैंने वो भी रख दिए हैं, बहुत ज़्यादा हो गया था सामान। शीशा भी अगर किसी ने ले जाना तो ले जा सकते, इसलिए मैंने पहले निकाल के रखे। ये हमने आग जलाने के लिए लकड़ ली थी, अभी ये भी निकाल दिए, ये भी जाएगा। अब ये सब पुराना हो गया, ये कारपेट भी बहुत पुराना हो गया, ये भी जाएगा, और ये कॉफ़ी टेबल भी जाएगा, सब नया आएगा अभी। बाय 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 मेरा सोफा, बाय बाय बाय, बहुत एंजॉय किया। अभी ये सारा जाएगा, 11 साल रखा ना, जब से हम इस घर में आए तभी से ये था, नया लिया था तब, और अब तो फेंकना ही पड़ेगा, पुराना हो गया ना। आने का टाइम भी है, जाना भी पड़ता है, एक दिन आना भी पड़ता है, जैसे हम लोग दुनिया में आए हैं। सामान भी ऐसे ही, हम भी एक सामान ही है, किस दिन चले जाएंगे, है ना, तो क्या दुख मनाना। अरमान देख रहा है कि इतना सामान ऐसे कैसे आ गया है ना, ये हम यहाँ पे रहेंगे अब? नहीं, यहाँ पे नहीं रहना। अरमान साइकिल कहाँ पर चलाएगा, ये तो सामान सारा इधर आ गया। अरे 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 अरे, देखना फूल कितना प्यारा, सारे पे फूल आ गए। अभी हम ना सामान को वहाँ पे रख देंगे घास पर, तो फिर आदमी लेने आएंगे, यहाँ से नहीं उठाएंगे, वो वहाँ से उठाएंगे। यहाँ पर खम्बा है ना, वहाँ पर रखना। पानी हो गया, पूछो मत। चलो तो अभी हम लेकर जाते हैं सोफा, अरमान देखना साथ ही जाएगा, साथ ही आएगा। ए अरमान, सामान जा रहा है हमारा पुराना, और जाओ जाओ। हो ठंड इतनी है, और अब कोई फायदा नहीं, आपका सामान निकल रहा है बच्चों। देखो फोन, क्रीम, सॉरी पेन, क्रीम, अरमान देख रहा है। और किसी ने वहाँ पर भी रखा है सामने, उनका भी आज लेकर जाएंगे, और मैं दिखाऊंगी जब आएंगे वो, अगर मैं अरमान को स्कूल ने ना छोड़ने ना गई होगी तब। चलो भाई, चलो भी, चलो भी, ये भी टूट गया था। चलो अरमान, हाँ ये भी फेंक दो, वेरी गुड, हाँ फेंक दो, फेंक दो। चलो मम्मा हेल्प करे, आ जाओ। अरमान देखो काम करता है, वेरी गुड, टोटली बेटा, आज ऑप्शी, आज 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 अवलीन पकड़ो, मैं पकड़ू बेटा, हेल्प करो पापा। नो ये उठा रहे हैं कुर्सियां, और सब उठाएंगे। देखा कितना सामान है।
बस लास्ट टेबल रह गया, वो हम लोग उठा दें और फिर ले जाएंगे, उनका काम है। ये कांच अभी बनवाया था ना, पर चलो क्या करना, अब तो जगह नहीं है। टेबल ये भी अच्छा था। ओ चलो साहब, ये पढ़ा टेबल बहुत अच्छा था क्या। बैठकर पी रहे हैं चाय, सोफे को याद कर रहे हैं कि गया अरमान के लिए जगह छोड़ी है, वो खेल रहा है। अरमान को रेडी करते हैं, अरमान को स्कूल भेजते हैं। अवलीन तो रेडी हो गई है। इधर जगह बच गई था, हम लोग आराम से बैठ सकते हैं। कॉफी टेबल छोटा हो गया ना, तो बैठने के लिए अच्छी सी जगह। साहब पीते मेरी चाय, टेस्ट करते हैं। मामा आप अगर आप कॉफी टेबल मॉर्निंग में के हो रख दे तो सारे पैसे। तो अगर आपको कोई उठा दे ना, हो अगर आपको मूवी देखनी है तो बैठ जाइए, उसको वहां रख दो। ये इतना है भी तो है। चलो भाई रेडी करो अरमान का स्कूल, चलो स्कूल जाना ना अरमान। या रोना नहीं, ओके मखनी हार ले। नहीं रोना नहीं, मैडम कहती रोता है अरमान। वो आ गई है भैया, मेरा स्कूल नहीं है भैया। वो आ गई है भैया, वो आ गई है। क्या फंस गया, बिस्किट कुकी ऑपरेशन करो, दांत में कुकी चला गया। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, घर में एकदम से शांति है। तो जो कल के कपड़े मैंने बाहर सुखाए थे, फिर अंदर रख दिए रात को और वो सूख गए। मैंने कहा पहले यही उठाती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, आज ना 70 डिग्री है, 15-16 डिग्री है। तो आज तो बाहर बैठेंगे थोड़ी देर, तो जल्दी से काम खत्म कर लूं, तब तक हमारा अरमान भी आ जाएगा। कपड़े लपेटू, खत्म करूं जल्दी से। इनको लपेटते हैं, लपेट के ले जाऊंगी ऊपर और फिर करूंगी सफाई। बच्चे चले गए हैं तो काम जल्दी से करना, आज ढेर सारा काम पड़ा है। ऐसे लगता है कि समर आ गई है, 17 डिग्री है ना, तो गर्मी भी महसूस हो रही है। आज मैंने मोटे कपड़े भी नहीं पहनाए बच्चों को, तो मेरे को ना कोट में गर्मी आ रही थी। अभी हमारा सामान लेके जा रहे हैं, देखिए आदमी देखना लेके जा रहा है, सब डाल देंगे अभी, देखिए सब फेंक देंगे। दो जने लगे, देखे सोफा उठा रहे हैं, तभी डाल देंगे कूड़े वाले में। दो जने उठाएंगे, उसमें ना एक मशीन लगी होती है, वो काट देगी बस सोफे को और फिर कूड़ा अंदर जाता है। देखो बटन दबाता है आदमी, बटन दबा के वो टूट जाता है। सब उन्होंने डाल लिया ट्रक में और अभी आगे जाएंगे। लोग ना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बनाते हैं तो फिर वो आकर ले जाते हैं। हम लोग साल में एक बार पैसा भरते हैं इनका कूड़े का, इकट्ठा जनवरी में भर देते हैं और जब मर्जी फ़ोन करो फिर आ जाते हैं। कुछ फेंकना हो तो बड़े हम ऐसे नहीं स्ट्रीट पर रख सकते ना,
सोफे वगैरह फोन करना ही पड़ता, देखिए कुछ नहीं दिख रहा ना, सब वो ले गए अंदर डालकर। मैं लेकर आई थी मशरूम, तो मैंने कहा चलो मशरूम और एग बनाते हैं, साहब को पसंद है तो छील कर बस देसी घी में थोड़ा सा इसको सोटे करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तो फिर डाल देंगे अंडे या इसको अलग से निकाल लेंगे, जैसे मन करे वैसे खा सकते हैं। ताज़ी ताज़ी फ्रेश फ्रेश मशरूम्स हैं। इधर मैं कर रही हूँ कड़ी गरम, कड़ी के साथ एग खाएंगे। सुबह के बज गए हैं 11:30, बस 12 बजने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं। मशरूम बन भी गई हैं और अभी इसको निकाल देते हैं और फिर बनाते हैं एग और फिर करते हैं इंजॉय ब्रेकफास्ट को। तो अभी हम डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी कड़ी, अभी मैं बनाऊंगी एग। एग को अच्छे से ना मिक्स करूंगी, जो बच्चे पीली टिक्की नहीं खाते वो भी खा लेते, फिर बच्चे आ रहे हैं तो मैंने कहा ऐसे बना ले। आज हम स्टर एग बनाएंगे, डच में बोलते हैं रूर आई, इसको हिलाओ घोलो और अंडा बनाओ। ये है मेरी प्लेट और मेरा लंच समझ लो, ब्रेकफास्ट एक ही बार खाती हूँ मैं, वही है बस। और ये है साहब के लिए, डालती इनको भी खा ले और उसके बाद फिर मैं अरमान को लेने जाऊंगी। थक गई आज, काम बहुत था, ऊपर की सफाई बहुत ज़्यादा थी, अब मन कर रहा है कि लेट जाऊं। मैंने पैरासीटामोल लिया, लेकर कुछ खा लूं, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर अरमान आ गया तो मेरी कोई रेस्ट नहीं है, फिर तो मैं उसके साथ ही सारा दिन। मम्मा इधर चलो बाथरूम आया, 20 बार तो टॉयलेट जाते हैं हम दोनों, उतने में मैं थक जाती हूँ। और एलिजाबेथ भी आने वाली, धूप निकली है, थोड़ी देर धूप सेकूंगी आज, काफ़ी देर बाद धूप आई है। अरमान को ना नया सोफा बहुत पसंद आया, अभी अपनी चेयर लगा कर ना अपना खाना खाता बैठकर और अपने कार्टून देखता है। जो मैं भी ऊपर से नीचे आती तो मेरे को ऐसे लगता मैं कहाँ आ गई, किसका घर है ना, लगता ही नहीं कि ये हमारा घर है। आज मैं बनाऊंगी ग्रीन चिकन, उसके लिए मैंने लिया हरा धनिया, पुदीना, ग्रीन चिल्ली, जिंजर और अनियन। चिकन को ऐसे काट लिया, अभी बस मैं तड़का लगा देती हूँ उसको और दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी। अभी हम डालेंगे हरा धनिया और पुदीना, इसको हम मिक्स करते हैं। तो अभी हम डाल देते हैं हरा धनिया। साहब कहते हैं आज ग्रीन चिकन खाना, मैंने कहा क्यों नहीं, पुदीना भी डाल देते हैं, डिमांड्स आती रहती हैं। ऐसे ना इंस्टाग्राम देखता रहता ना मैं, हाँ वहाँ पर आईडी मिल जाती ग्रीन चिल्ली, और मेरे पास है जिंजर, इसको बंद करके पीसते हैं। तो चलिए पीस लें इसको, ग्रेवी बना के रख लेते हैं मिक्सचर रेडी करके। चल जा भाई, ये भी चलिए मिक्सचर हो गया रेडी, और चिकन फिले को मैंने काट लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, और अभी प्याज भी हो गए हैं तो अभी हम लगा। पहले मैं डालूंगी देसी घी और उसके बाद मैंने लिए यहाँ पे खड़े मसाले, जीरा लिया है, छोटी इलायची ली है, दालचीनी ली है छोटी, लौंग ली है, काली मिर्च ली है। घी को करते हैं गर्म, उसके बाद डालते हैं खड़े मसाले। अभी हम डाल देते हैं खड़े मसाले, इनको भूनते हैं अच्छे से। और हम डाल देते हैं गार्लिक, गार्लिक मैंने चटनी में नहीं किया, गार्लिक मेरे पास था तो मैंने कहा चलो गार्लिक ऐसे डाल देते हैं। गार्लिक को भी अच्छे से पकाते हैं। अभी हम डाल देंगे अनियन, इसको भी पकाते हैं। हमारा प्याज भुन गया और अभी मैं थोड़ा थोड़ा ना हल्दी मिर्च मसाला डाल देती हूँ, आधा आधा छोटा चम्मच, क्योंकि मैंने ग्रीन चिल्ली डाली है ना, मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी।
धनिया पाउडर और गरम मसाला, इसको डाल के अच्छे से भूनते हैं। और अभी हम डाल देते हैं चिकन। ऊपर से डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और इसको हिलाते हैं अच्छे से। एक दो मिनट पकाते हैं क्योंकि ये चिकन फिले ना, अगर दूसरा चिकन होता तो फिर तो मैं ज़्यादा पकाती, फिर ग्रीन वाली मिक्सर डालती, पर मैं इसमें अभी डाल दूँगी बस एक मिनट के बाद। अलीजा अवलीन के लिए मैंने चिकन कॉर्न बनाया है। अलीजा अवलीन ले लो बेटा, स्कूल से आ गए हैं, पकड़ना पहले खा तो लो, और मान को मत देना नहीं तो बेटा वो लगा देंगे। खा लो बेटा। अभी हम डालते हैं जो मैंने पुदीने और हरे धनिए का पेस्ट बनाया, ऊपर से डालेंगे एक चम्मच दही और फिर इसको मिक्स कर देंगे। मैंने दही इसमें डाल लिया, मैंने कहा सारी अच्छे से मिक्स कर दूंगी ना, और करके ये भी डाल देती हूँ। अभी मैं डाल देती हूँ ये भी। नहीं, अभी मैं ये भी डाल देती हूँ और इसको पकाती है जब तक ये बनता नहीं, जब बन गया तो फिर रेडी हो जाएगा, बस खा लेंगे ग्रीन कलर का चिकन। आसान है ना पहले? हाँ आसान ही है, पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं, मैं आई होप खा लेंगे। पुदीना चिकन, पुदीना चिकन है। पानी भी इसका सूख जाए ना और ये पक भी जाए अच्छे से। ग्रीन कलर तो हो गया। ये क्या हो रहा है अरमान, क्या कर रहा है? ओ गिर जाके टूट जाएगा बेटा, मेरे को दे दो, दे दो ना, दे दो ना बेटा। अरमान टोपी बन गई अरमान की। ओले ओले ओले, नोई ऐसे नहीं करते, नोई नहीं बोलते। वहां पे रख दो, क्या करो? अलीशा इस बोफ, अवलीन अरमान, अरमान बुलाना अवलीन। अलीजा को बुलाता, अवलीन को नहीं बुलाता। बाहर की ना मैं थोड़ी सफाई कर रही थी, मैंने कहा धो दूं थोड़ा सा, तो फिर साहब लग गए। हमारा चिकन हो गया रेडी और रोटियां भी बन रही हैं। कौन को मत हिलाना अवलीन, ध्यान से बेटा। चलो अलीजा खा लो। अलीजा का फिर ऑनलाइन क्लास है ना, तो मैं बना दूं। आज नहीं आ, आज नहीं है, छुट्टी है। जो जिसमें रोटियां पाती है उसको ढाबा कहते हैं। डब्बे को ढाबा, ढाबा ही है माँ का, है ना? बच्चे आते हैं रोटी खाने ढाबे पर। जाओ बेटा अपनी रोटी ले जाओ ढाबे पर। गाइस बटर के साथ रोटी बहुत ही स्वाद होती है, आप भी खाया करो। गाइस भी रोटी खाते हैं, जितने मर्जी राइस खा लो, रोटी के बिना तसल्ली नहीं होती मन को। और बटर के साथ मैंने कहा चलो एक रोटी बनाती हूँ, साहब को बोला आप भी एक खा लो, एक मैं खा लूंगी, उनको बना के रोटियां। अभी अरमान आएगा, पहले अलीजा भी, अभी उसकी बारी। उसका टीवी बंद हो गया, जाओ चला कर दो। हाँ आ गया। हाँ बेटा टीवी बंद हो गया आपका, कोई बात नहीं अभी लगा के देते। अरमान बना रहा रोटियां, देखो छोटा बेलना बड़ा बेलना, बना लो बना लो, मम्मा खा ले मेरे सामने ही है। ये खाता नहीं, इसने अभी एप्पल खाया, और ये है मेरी रोटी, ये बैंगन की सब्जी पड़ी थी और एक रोटी, ये है डिनर। तो अभी हम खाते हैं, तीनों खा रहे, उधर चौथा आता नहीं। साहब बताएंगे कैसा बना। बहुत टेस्टी, बहुत ज्यादा आपने भी खाना है? आजो। गर्म है। लव यू गाइस। बाय।